Today we will learn about Bloch theorem. किसी प्रवेश लैटिस के सभी जालक स्थानांतरण सदिशों के मान के लिए क्रिस्टल आवर्ती विभव v r plus t is equal to v r यानी कि पीरियोडिक के होता है और इसके अंदर ये लैटिस जोड़ने पर भी वही रहता है। संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन शाही को एक समतल तरंग प्रयोग जालक के आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपकी ब्लॉच थ्योरम है और इसका प्रूफ जो है मैथमेटिकली रोन्सकियन थ्योरम से अपन कर सकते हैं। और इसको अगर अपन किसी लैटिस के ऊपर देखें तो अपने को क्या होता है कि इस तरह की ये के इज
इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए, जो कि ए क्या नेट इज कॉन्स्टेंट है। टॉप लेवल पर शून्य होगा, जोन के आधे स्तर के निकट वक्र के ढाल में रेखीय वृद्धि होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के वेग में भी रेखीय वृद्धि होती है। नति बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर, यहाँ पे यानी कि जहाँ से ये कर्व का चेंज होता है ना स्लोप, वहां से। तत्पश्चात वक्र के ढाल में कमी होने से इलेक्ट्रॉन के वेग में भी कमी होती जाती है। अंत में जोन के शीर्ष स्तर पर यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इसमें चित्र में अपने देख लिया है, यह परिभाषा मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से बिल्कुल भिन्न है। इस परिणाम को व्याख्या इस अपन जो है बैंड के आधार पर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन फॉर्बिडेड है और इसके अंदर अलाउड जोन के अंदर है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिक पेनी मॉडल जो कि बैंड थ्योरी का आधार है, इसके अंदर ये कहा कि ठोस के मुक्त इलेक्ट्रॉन में यह कल्पना की जाती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शून्य स्थिति ऊर्जा वाले चालक में विचरण करते हैं, परंतु आयनिक एवं सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोसों में संयोजक इलेक्ट्रॉन चालक के आयनों के नाभिक के निकट विचरण करने के कारण इस पर चालक आयतन के आवर्ती विभव लगते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिंग एवं पेनी ने विमीय चालक के ठोस में संयोजी इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की मुख्य विशेषताओं को ज्ञात किया। यद्यपि ठोस के चालक विभव की प्रवृत्ति जटिल होती है, तथापि क्रॉनिंग एवं पेनी के अनुसार आवर्ती विभव को कुछ सीमा तक सरलतम रेक्टेंगुलर विभव क्षेत्र के समतुल्य माना जाता है, क्योंकि यह विभव क्षेत्र संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम व्यवहार के कई मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करता है। इस प्रकार के विभव क्षेत्र को अपन जो है ये इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर है, ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई बी है, ए है, और ये आपका पोटेंशियल इधर ले लिया, बी एक्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया पीरियोडिक पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल। अब इसको अपन ब्लॉक थ्योरम लगा करके और इससे जो है इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन और बैंड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आते हैं ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे।